हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी एस सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर फाइव द स्फेयर जिसका ये लेक्चर नंबर टू है इसका एक लेक्चर हो चुका है आज इसका लेक्चर नंबर टू है अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देख लें तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा और मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाला है आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं सो so, आज हम स्पेयर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में लिखवाई थी सो so, आज इसका क्वेश्चन मैंने एक नोट किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं लेट्स स्टार्ट फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर हमें एक स्पेयर की इक्वेशन गिवन है और हमें इस इक्वेशन की हेल्प से स्पेयर के सेंटर एंड रेडियस फाइंड करनी है सो so, आप कंसिडर भी करें अगर माइंड में सो so, एक स्पेयर है जिसके सेंटर एंड रेडियस हमें फाइंड करनी है सेंटर अगर सी है और रेडियस उसकी आर है तो हमें ये फाइंड करना है उसके सेंटर और रेडियस सो मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में स्पेयर की इक्वेशन लिखवाई थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर सो मैं यहाँ फिर से नोट डाउन कर रही हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फेयर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस फेयर वी हैव ऑलरेडी टीच यू सो प्रीवियस वाली वीडियो में ओके इन माई प्रीवियस वीडियो इसी का ही यूज हम आज करेंगे इस वाली इक्वेश की फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखिए इस इक्वेश को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तभी हम सेंटर भी फाइंड कर पाएंगे एंड रेडियस भी फाइन कर पाएंगे सो so, ये जो इक्वेशन है आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है इट मीन्स यहाँ पर टू टू कोफिशियंट सब में आ रहा है तो मैं टू से डिवाइड कर दूंगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देखिए पूरी इक्वेशन की मैं टू से डिवाइड कर दे रही हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस इक्वेशन की टू से डिवाइड करने पर ये सारे टू कैंसिल माइनस एक्स प्लस टू वाई बिकॉज टू टू ज फोर माइनस टू थ्री जिक्स थ्री जेड इक्वल्स टू फिफ्टीन बाई टू देखिएगा मैंने इस इक्वेशन की टू से डिवाइड करने पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है सो so, जो सेंटर होते हैं स्फेयर के सेंटर ऑफ द स्फेयर जो होते हैं वो होते हैं माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू जो मैं अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुकी हूँ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू विच इज़ द सेंटर ऑफ द स्फ सो यहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन में टू यू एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है इट मीन्स इन दोनों को कंपेयर करके हम यू की वैल्यू फाइन करेंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पर जेड स्क्वायर मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ठीक है सो टू यू एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स है टू यू एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कंपेयर करेंगे एक्स एक्स कैंसिल यू की वैल्यू आएगी माइनस वन ये अपॉन में चला जाएगा टू यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं माइनस वन अपॉइंट टू अभी हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं इस के नेक्स्ट टू वी वाई इक्वल्स टू टू वाई टू वी वाई इक्वल्स टू ये वी वाई हमें कंपेयर करनी है इसकी जनरल इक्वेशन से ये जो इक्वेशन गिवन थी सो so, यहाँ पर भी वाई से वाई कैंसिल वी से वी कैंसिल वी तो टू वी वाई इक्वल्स टू टू वाई है सॉरी टू वाई टू से टू कैंसिल सो वी की वैल्यू कितनी आ गई वन वी की वैल्यू कितनी आ गई वन ठीक है दे नेक्स्ट w की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज डब्ल्यू भी चाहिए हमें लिए w को कंपेयर करते हैं सिक्स जेड टू डब्ल्यू जेड को कंपेयर करने के लिए सिक्स जेड इक्वल्स टू टू डब्ल्यू जेड तो जेड से जेड कैंसिल टू थ्री जै सिक्स W की वैल्यू आ गई थ्री सॉरी ये वाले इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ थ्री जेड आएगा थ्री जेड आएगा तो थ्री जेड और टू तो डब्ल्यू की वैल्यू थ्री बाय टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाय टू वो भी नेगेटिव बिकॉज माइनस का थ्री है यहाँ पर माइनस की थ्री जेड है तो माइनस की थ्री जेड सो यू वी एंड डब्ल्यू तो आ गए हमारे पास माइनस वन अपॉइंट टू वन एंड माइनस थ्री बाय टू बट एक्चुअल हमारे सेंटर होते हैं नेगेटिव माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ओके तो हम ये सबके साइन में माइनस लगाएंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला नेगेटिव हो जाएगा एंड देन ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा सो so, ये आ गए हमारे सेंटर ऑफ स्पेयर सेंटर ऑफ स्पेयर जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो हम फाइंड कर चुके हैं सेंटर ऑफ स्पेयर now we will discuss about the radius of the sphere, radius of the sphere. so radius of the sphere, radius of the sphere, मैं अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में फिर से कहूंगी उसका फॉर्मूला बता चुकी हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना प्रीवियस वाली वीडियो से काफ़ी लिंक कर रही है तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझनी है तो पहले प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लें मैंने उसमें सारे फॉर्मूले हैं सो रेडियस ऑफ द फेयर होता है विद इन अंडर रूड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस के डी ये फॉर्मूला होता है स्पेयर की रेडियस फाइंड करने का सो so, बहुत ईजीली हम यू वी डब्ल्यू फाइंड कर चुके हैं और डी जो होता है वो ये होता है कॉन्स्टेंट डी तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो डी इक्वल्स टू के इधर होता है तो मैं इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी ये वाली इक्वेशन से कंपेयर कर रही हूँ इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी तो माइनस फिफ्टीन बाई टू हो जाएगा तो डी जो होगा वो माइनस के फिफ्टीन बाई टू होगा ठीक है तो यहाँ रख देते हैं यू के प्लेस पर कितना है वन अपॉइंट टू यू का स्क्वायर यानी कि वन बाय फोर प्लस वी का स्क्वायर वन प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर नाइन बाय फोर प्लस माइनस के डी है ऑलरेडी डी जो है वो माइनस का फिफ्टीन बाय टू है तो प्लस के फिफ्टीन बाय टू विद इन रूट अब इजी है कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी इसको एल हम लेंगे फोर वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस टू टूज़ा फोर फिफ्टीन टू जर्टी विद इन अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे थर्टी थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी फोर बाय फोर विद इन अंडर रूट सो देखिए मैं फोर्टी फोर को क्या लिख सकती हूँ इलेवन क्रॉस फोर बाय फोर विद इन अंडर रूट या फोर को फोर्टी फोर टाइम्स काटेंगे तो 11 आएगा तो 11 अंडर रूट आ गया एलेवेन आ गया विच इज़ द रेडियस ऑफ द स्पेयर अंडर रूट इलेवन इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि किसी स्पेयर की इक्वेशन गिविन हो तो हम सेंटर और रेडियस उसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट माई वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स